हाय गाइज म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू पिक द बेस्ट इंडेक्स फंड चुनना सीख लिया एंड आज से हम थोड़े और एडवांस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया सेकंड वन हाउ डू वी मेजर रिटर्न थर्ड वन पास्ट रिटर्न आर नोट द फ्यूचर रिटर्न एंड फोर्थ वन हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड सो आई एम आर्सो सिंगला फाउंडर एंड सी ऑफ इनलाइट एंड मैं आपका आज की इस वीडियो में म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सो हाउ टू पिक द बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड इसे समझने से पहले हमें देखना होगा कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इक्विटी म्यूचुअल फंड सेकंड वन डेट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड वन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों में इक्विटी में भी एंड बॉन्ड्स में भी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड आगे काफी टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देर मार्केट कैप बेस्ड ऑन दियर सोलूशन प्रोवाइडेड डाइवर्सिफिकेशन एंड थीमेटिक मार्केट कैप इक्विटी म्यूचुअल मिड कैप एंड लार्ज कैप इंडिया की टॉप हंड्रेड कंपनीज में करते cap. Cap funds, इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देर मार्केट कैप मिड कैप इंडिया की वन वन से लेकर टू फिफ्टी तक इवेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देर मार्केट कैप एंड स्माल टू के बाद जितनी भी कंपनीज बची उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड इंडिया की टॉप टू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप एंड बेस्ड ऑन सोल्यूशन प्रोवाइडेड इंडिया में ई फंड्स हैं एंड अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप 1.5 पॉइंट फाइव लैक्स तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन एटीसी के अंदर एंड बेस्ड ऑन डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आगे फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं फर्स्ट वन मल्टी कैप फंड मीनस ये फंड इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेकंड वन फोकस फंड मीनस इन फंड करने की अप्रोच बहुत फोकस्ड होती है एंड मैक्सिमम ये थर्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं and थर्ड वन वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स मींस ये फंड सिर्फ उन, like like, उन हाँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड है जिनमें इनको वैल्यू दिखती है एंड फोर्थ वन इंटरनेशनल फंड्स फंड्स मींस ये इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक देन थीम्स के बेसिस पे इक्विटी म्यूचुअल आगे काफी टाइप्स में डिवाइडेड डिवाइडे लाइक फर्स्ट वन थीमेटिक डिविडेंड थीटिक फंड ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी डिविडेंड ईल काफी हाई होती है देन है सेक्टोरियल बैंकिंग फंड ये बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं देन है सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी फंड ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं देन है सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंफ्रास्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं थीमेटिक ये सिर्फ कंजम्पन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं थीमेटिक इनर्जी ये इनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सेक्टोरियल फार्मा ये सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं देन है थीमेटिक एम एनसी ये सिर्फ एम एनसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन है थीमेटिक ई एस सी ये सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ई एस जी कैटेगरी में सबसे टॉप पे आती हैं सो so ये थे सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स इनको ऊपर ऊपर से ध्यान में रखना अब हम देखते हैं डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स डेट म्यूचुअल फंड काफी टाइप्स के होते हैं सबसे पहले है बेटर देन सेविंग अकाउंट इसके अंदर फाइव तरह के फंड हैं फर्स्ट है ओवरनाइट फंड ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी वन वीक तक होती है देन सेकंड है लिक्विड फंड्स ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी वन वीक से लेके वन मंथ तक होती है देन है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी टू से फोर मंथ्स के बीच में होती है देन है लो ड्यूरेशन फंड्स ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी थ्री से नाइन मंथ्स के बीच में होती है देन है मनी मार्केट फंड्स ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी सिक्स से ट्वेल्व मंथ्स के बीच में होती है देन सेकंड कैटेगरी है बेटर दैन एफ एंड इसके अंदर थ्री टाइप्स के फंड्स हैं फर्स्ट वन बैंकिंग एंड पी ये फंड्स उन कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बैंकिंग एंड पी सेक्टर को बिलोंग करती हैं देन सेकंड वन कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स ये फंड्स उन कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज है सेफ कंपनीज़ है एंड देन थर्ड वन शो ड्यूरेशन फंड्स ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी वन से थ्री ईर्स के बीच में होती है देन थर्ड कैटेगरी है डेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इसके अंदर फोर्थ टाइप्स के फंड्स हैं फर्स्ट फंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स ये फंड्स उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी टू से फोर इयर्स के बीच में होती है देन है सेकंड है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ये फंड्स उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी थ्री से फाइव ईयर्स के बीच में होती है देन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ये फंड्स उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी फाइव ईयर से ज़्यादा होती है देन है डायनामिक बॉन्ड फंड्स ये इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन इसके बाद कुछ और टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं लाइक फर्स्ट वन क्रेडिट रिस्क फंड ये 65 परसेंट तक अपना पैसा ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हाईली रिस्की हैं देन सेकंड वन गिल्ट फंड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं देन थर्ड वन गिल्ट विद टेन ईयर कॉन्टेंट ड्यूरेशन ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के जिनकी मैच्योरिटी टेन ईयर्स तक होती है एंड देन है फ्लोटर बॉन्ड फंडे सिक्सटी फाइव तक अपना पैसा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन है एफ ये फिक्सड मेच्योरिटी प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं सो so, अभी हमने इक्विटी एंड डेट ्यूचल फंड के टाइप्स देख लिए अब हम देखते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स सो अकॉर्डिंग टू इक्विटी डेट एलोकेशन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स चार टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन फंड्स ये फंड 75% तक अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं देन आते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स एंड ये फंड्स 50% तक अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं देन आते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स एंड ये फंड्स 35% तक अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन आते हैं इक्विटी सेविंग फंड्स एंड ये फंड्स 35% तक अपना पैसा डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन इक्विटी डेट एलोगेसन एंड बाय सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन डायनामिक एसेट एलोगेसन फंड्स एंड सेकंड वन मल्टी एसेट एलोगेसन फंड्स डायनामिक एसेट एलोगेसन फंड्स में जो इक्विटी एंड डेट की कंपोजिशन होती है उसे फंड मैनेजर चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन एंड मल मल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मट्टीपल एसेट्स में इवेस्ट किया जाता है लाइक स्टॉक्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा सो ये थे सारे मूचअल फंड के टाइप्स इनको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि आप जिस 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 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वो कौन सी कटेगरी को बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल आपने मिटका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एंड अभी आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिटका म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करोगे इन्ना तो अगर आपको पता होगा कि आपका फंड किस कटेगरी को बिलोंग करता है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले पाओगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ रिटर्न सो देर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न फर्स्ट वन एब्सोल्यूट सेकंड वन सी एर रिटर्न थर्ड वन फर्स्ट वन इज एप्स रिटर्न फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इन टू हंड्रेड एप्सोल रिटर्न हमें टोटल रिटर्न बताते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर एग्जाम्पल आपने किसी म्यूचुअल फंड में वन मई टू थाउजेंड टेन में वन लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे एंड वन मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को वो बढ़कर एट लाख हो गए तो आपके टू थाउजेंड टेन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के टाइम पीरियड के बीच में मिस बारह सालों में कितने टर्न मिले एट लैख मिस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मीज वन लैक अपॉन वन लैक मीज इनिशियल वैल्यू इन टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड परसेंट दिस इज वट एब्सोलूट रिटर्न शोज एब्सोलूट रिटर्स हमें टोटल रिटर्न बताते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेकंड वन इज सी एच जी आर रिटर्न इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो बेसिकली सीएजीआर रिटर्न हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के एनुअलाइज्ड रिटर्न बताते हैं कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में पाँच साल के लिए इन्वेस्ट किया तो हमारे एनुअलाइज रिटर्न कितने हुए फॉर एग्जाम्पल पिछली एग्जाम्पल ले लो मान लीजिए मैंने वन मई टू थाउजेंड टेन में वन लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे किसी म्यूचुअल फंड में

जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में एक लाख रुपया इन्वेस्ट किया जो चार साल में बढ़कर दो लाख हो गया मीन्स आपको नाइनटीन परसेंट के एनुअल रिटर्न्स मिले मीनस पहले साल एटीन पॉइंट नाइन परसेंट दूसरे साल एटीन पॉइंट नाइन परसेंट तीसरे साल एटीन पॉइंट नाइन परसेंट एंड चौथे साल एटीन पॉइंट नाइन परसेंट अगर आपको इस तरह के रिटर्न मिले तो आपका एक लाख दो लाख बन गया चार सालों में थर्ड टाइप ऑफ रिटर्न है एक्स आई आर आर रिटर्न एक्स आई आर रिटर्न हमें एस आई पी के रिटर्न कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं क्योंकि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में एस आई पी कर रहे हैं तो हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस केस में एब्सोल्यूट रिटर्न एंड सी आई आ रि निकालना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम एक्स आई आर रिटर्न निकालते हैं जैसे अभी आप स्क्रीन पे एक्सेल शीट देख रहे हो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी डेट्स डालनी है लाइक like मैंने 15 अप्रैल 2020 से लेके 15 मई 2022 तक तो डाली हुई है कि जिस जिस डेट को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सारी डेट्स डालनी है एंड राइट हैंड साइड पे आपको जितना जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर डेट पे वो डालना है लाइक like मैं 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड याद रखना जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपने नेगेटिव साइन के साथ डालना है एंड जो फाइनल अमाउंट होगी उस पर्टिकुलर डेट पर लाइक फिफ्टीन मई को मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थर्टी है तो उसको आपको पॉजिटिव साइन के साथ डालना है लाइक फिफ्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी को मैंने वन थाउजेंड रुपीज इवेस्ट किए तो मैंने नेगेटिव साइन के साथ डाला फिफ्टीन मई टू थाउजेंड ट्वेंटी को मैंने थाउजें रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे था इसको भी मैंने नेगेटिव साइन के साथ डाला तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपने नेगेटिव साइन के साथ डालना है एंड जो फाइनल अमाउंट उस पर्टिकुलर डेट पर होगी लाइक फिफ्टीन मई टू तूँँ, थाउजेंड ट्वेंटी टू को मेरी फाइनल अमाउंट मेरी पोर्टफोलियो की फाइनल अमाउंट है थर्टी थाउजेंड तो इसको आपने पॉजिटिव साइन के साथ डालना है देन बस आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है विच इज़ एक्स आई आर आर ब्रैकेट शुरू देन आपको सारी डेट सेलेक्ट करनी है जो हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है एंड देन कॉमा देन आपको वो सारी अमाउंट सेलेक्ट करनी है जो आ, आपने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है देन ब्रैकेट क्लोज इन टू हंड्रेड तो जो रिटर्न आएंगे वो एक्सआई आर आ रिटर्न होंगे सो so, अब 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 तीनों टाइप्स के रिटर्न देख लिए लेकिन इनको यूज कब करना है इसको बताता हूँ सो so, अगर आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आप वन साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न को यूज़ करना है अगर आप वन साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सी एजीआर रिटर्स यूज करने हैं एंड अगर आप एस आई पी कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में तो आपको एक्स आई आर रिटर्न यूज़ करने हैं सो अब हमने सारे टाइप्स के रिटर्न डिस्कस कर लिए अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसे फंड भी इन्वेस्ट करते होंगे जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं तो वो फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देगा बट इट्स नॉट ट्रू इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं निपोन इंडिया ए टी एफ हेंगसेंग बीस दिस फंड गेव ट्वेल्व पॉइंट सेवन टू परसेंट रिटर्न बिटवीन द पीरियड टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड आउटपुर फ्रॉम द मार्केट बाई ऑलमोस्ट थ्री परसेंट बट इफ यू इन्वेस्टेड इन दिस फंड जस्ट सिंग इट्स पास्ट परफॉर्मेंस

इलेवंथ वन एग्जिट लोड एंड ट्वेल्थ वन सेक्टर कंसंट्रेशन सो इन फैक्टर्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे आई होप जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें एंड शेयर भी जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन बढ़ाता है और वीडियोज बनाने की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर